नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका वत्सल आप सबका अल्ट्रा कुकरी पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दम बिरयानी, वो भी एकदम इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। तेल काफ़ी अच्छा गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज की स्लाइसेस डाल देंगे और इन्हें हाई फ्लेम पर कुरकुरा होने तक तलेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और अच्छे से ब्राउन हो गए हैं प्याज। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। इन्हें तल लिया है, अब इन्हें साइड में रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे जो बिरयानी के लिए ज़रूरी है। अब बिरयानी का नेक्स्ट स्टेप है चावल को बॉईल करना। उसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी उबाल लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कप चावल लिया है जिसे मैंने पहले से ही धोकर 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख लिया था। अब हम इसे उबलते हुए पानी में डालेंगे। पानी को पहले बॉईल होने दें। पानी में एक तेज़पत्ता डालें और एक और दो दालचीनी के स्टिक्स डालें और इसे हाई फ्लेम पर बॉईल होने दें। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें नमक डालेंगे और भीगे हुए राइस डाल देंगे। जब भी आप कोई पानी उबालें तो नमक उसमें हमेशा बाद में डालें। ऐसा करने से पानी जल्दी उबलता है और टाइम की सेविंग होती है। आप देख सकते हैं चावल काफ़ी अच्छे से उबल चुके हैं। यहाँ पे चावल को हमें सिर्फ 75% ही बॉईल करना है। आप देखिए जब चावल अच्छे से टूटने लगे, यानी हमें यहाँ पर गैस ऑफ कर देनी है। अब जैसे ही गैस ऑफ करेंगे हम चावल को छान लेंगे। तुरंत इसका पानी निकालें और इस तरह से इसे फैला लें। आप चाहे तो इसे एक प्लेट पर भी फैला सकते हैं ताकि चावल हमारे खिले खिले रहें। अब बिरयानी का थर्ड स्टेप है ग्रेवी बनाना। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हैवी बॉटम पैन लिया है, उसको मैंने गैस पे गरम कर दिया है और इसमें हम तेल डालेंगे। तेल मैंने वही यूज़ किया है जिसमें हमने प्याज तले थे। ये तेल यूज़ करने से जो बिरयानी है बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेगी। तेल गरम हो चुका है, इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इन्हें अच्छे से कुक कर लेंगे। प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला काफ़ी अच्छे से भुन चुका है, इसमें हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि हमने चावल उबालते वक्त भी नमक डाला था। नमक डालने के बाद में हम इस मसाले को 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें हम 1 कप दही डाल देंगे। जब भी आप किसी ग्रेवी या करी में दही डालें, दही डालते ही आप फ्लेम को हाई पे कर दें और इसे कंटिन्यूस पकाएं। ऐसा करने से दही फटता नहीं है और जो ग्रेवी है एकदम स्मूथ और चिकनी बनेगी। ग्रेवी खूब अच्छे से पक चुकी है, अब हम यहाँ पर पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मलाई पनीर लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इस तैयार ग्रेवी में पनीर डाल दें। पनीर की ग्रेवी काफ़ी अच्छे से बन चुकी है। जो पनीर के पीसेस हैं इन्हें इवनली स्प्रेड कर दें क्योंकि अब हमें यहाँ पे लेयरिंग करनी है। पनीर की ग्रेवी के ऊपर हम ये चावल की लेयर लगाएंगे। इन्हें इवनली स्प्रेड कर दें, ऊपर थोड़ा सा घी डालें, फ्राइड अनियंस डालें, कटा हुआ फ्रेश धनिया डालें, फ्रेश पुदीने की पत्तियां डालें। हमने यहाँ पे थोड़े से केसर को दूध में भिगो के रख दिया था, यह केसर हम इसके ऊपर डालेंगे।
फ्लेम को लो पर कर दें और इसका ढक्कन लगा के हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम लगने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस को बंद कर दिया है। अब 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढका रहने दें, उसके बाद में हम इसका ढक्कन खोल के गर्मा गर्म बिरयानी सर्व करेंगे। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे इसमें मिक्स करके भी सर्व कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसे लेयर्स में भी सर्व कर सकते हैं। मुझे इसे लेयर्स में सर्व करना ही पसंद है, तो इस तरह से साइड से इसे लें और प्लेट पे सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर दम बिरयानी बना ली है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें। इसी तरह की आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा कुकरी को सब्सक्राइब करें।